నమస్తే, వెల్కమ్ టు హాష్టాగ్ యూ. నేను మీ రాజేష్. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారం దిశగా అడుగులు వేసింది. మరోవైపు అధికారం సాధించి రేవంత్ రెడ్డి సీఎం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం మనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి మన్సూర్ అలీ ఖాన్ గారు ఉన్నారు. ఆయన గత కొంతకాలంగా ఎన్నికల ముందు నుంచి కూడా కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు నడిపడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. గతంలో కర్ణాటక ఎన్నికల్లో కూడా ఈయన కీలక పాత్ర పోషించారు. మరోవైపు తెలంగాణలో విజయానికి కూడా ఈయన చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ నేపథ్యంలో మనతో పాటు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ గారు జాయిన్ అవుతారు. నమస్తే మన్సూర్ అలీ ఖాన్ గారు. పెహలా ఆప్కా కంగ్రాట్స్ బోల్ రహే, మాహోల్ జీత్ గయా. కైసా కైసా ఇధర్ ఆప్కా స్ట్రాటజీ कैसे वर्कआउट जाएगा, क्या क्या बोलते इसके विजय? देखिए, जब हम लोग तेलंगाना 6 महीने पहले भी आप पूछे तो यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि हमारे कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन हम कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस लीडर्स को उम्मीद थी. जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर की है, जो उत्साह और एंथुसियाज्म कार्यकर्ता में था वो बहुत ही ज्यादा था. उसके बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हुई, फिर यहाँ के लोकल लीडर्स रेवंत जी हो, उत्तम जी हो, बट्टी जी और सारे सीनियर लीडर्स एक साथ मिलके बहुत काम किया. और जो यहाँ पर जो डिससेटिस्फैक्शन केसीआर सरकार के साथ था, वो बात बड़ी करते थे लेकिन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं था. तो एक 10 लोगों की सुविधा करते तो लाखों के लोगों की सुविधा नहीं करते थे. और पब्लिसिटी बहुत ज्यादा थी, उनकी काम कम था. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಕೈಸ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ? ದೇಖಿಯೆ, ಅಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯೆ ಹಮಾರೆ ಪೂರೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಯೆ ಹೈ. ಏಕ್ ಪಾಂಚವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೋ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಔರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾ ಹೈ, ಅಬ್ ಏಕ್ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಔರ್ ವಹೀ ಮಾಡಲ್ ದೇಖೆಂಗೆ ಆಪ್. और यहाँ पर भी देखेंगे जो 6 गारंटीज हैं, हम वादा भी किए हैं, फर्स्ट कैबिनेट में अनाउंस करेंगे. सो आप एक देख लीजिए, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा. और दूसरा क्या चीज है सर, इधर हैदराबाद में 1 सीट भी नहीं जीता है, पूरा रूरल का वोट बैंक से ही कांग्रेस पार्टी इधर तेलंगाना में जीत गया. कैसा रिव्यू कर रहे हैं, क्या क्या रीजन के लिए हैदराबाद में 1 सीट भी नहीं आया बोल के? हम रिव्यू कर रहे हैं GHMC में, और जो और हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम करें और लोगों का विश्वास जो हैदराबाद और आजूबाजू के एरियाओं का जीतें. और मेरी उम्मीद भी यही है कि आप आगे लोकसभा में आप नतीजे देखेंगे, जिस तरह से जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा 4 महीने में, आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोकसभा पोल्स में हैदराबाद रीजन में कांग्रेस को ही वोट आएगा. और दूसरा बात है सर, अभी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी जीत गया, इम्पैक्ट तेलंगाना में है, अभी तेलंगाना में जीत लिया, वो पार्लियामेंट इलेक्शंस में कैसा हो जाए, इसका इम्पैक्ट कैसा रहता? देखिये, ये पूरा पार्लियामेंट इलेक्शन भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और एक बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मानते हैं ये 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में हमारी हार हुई, लेकिन वोट परसेंटेज देखें तो कांग्रेस उसका वोट परसेंटेज होल्ड किया है. बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है. सो मेरी पूरी उम्मीद है ये तेलंगाना का जो रिजल्ट आया है लोकसभा पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा और दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आने वाला है बोल के बहुत कॉन्फिडेंस था, वही लूज छत्तीसगढ़ बोल के. छत्तीसगढ़ का वोट परसेंटेज देखें तो हमारा वोट परसेंट घटा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आया है. जो बीजेपी जो अदर्स का वोट था, बीजेपी ज्यादा ली है, लेकिन हमारा वोट घटा नहीं है. हम रिव्यू कर रहे हैं क्या कारण है छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट्स में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा घटा करके. और दूसरा क्या चीज है सर, इधर 5 स्टेट्स इलेक्शंस के बारे में, एक ही तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी पावर में आ रहे, दूसरा 4 स्टेट्स लूज हो गया, वही बोले तो क्या क्या बोलते इसके ऊपर? हम भी वही इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वोट शेयर घटा नहीं है, दूसरा जो वर्क का वोट शेयर जो एक्स्ट्रा लाना है वो कैसा लाना है वो रिव्यू कर रहे हैं. कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप और हम सब लोग बैठ के विचार करेंगे. और अभी रेवंत रेड्डी का वो प्रमाण स्वीकार स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रहा है एलबी स्टेडियम में, जो कुछ वादा किया एलबी स्टेडियम में होता बोल के रेवंत रेड्डी पहले से बोल रहे, यही हो रहा है अभी. और अभी कैबिनेट के बारे में क्या बोलते, कितने लोग कैबिनेट में रहते, कौन कौन लोग रहेगा, उसके ग्राउंड वर्क क्या करेगा उसका? कैबिनेट के बारे में सीनियर लीडरशिप ब्रीफ करेगी, अभी वो ब्रीफ करेंगे. सो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो वादे किए हैं जरूर निभाए जाएंगे. और दूसरा क्या, जैसे BRS वाले और दूसरा वाले सभी लोग सोशल मीडिया में भी 6 गारंटीज कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरा तेलंगाना बंगार तेलंगाना का अपूल तेलंगाना IPND वाला, सो हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस 6 गारंटीज बोल के. अभी जयप्रकाश नारायण भी लोकसत्ता का पहला लोकसत्ता का पार्टी जयप्रकाश नारायण भी बोल रहे, अभी ट्रांसपेरेंसी बोल दीजिए कौन सा गारंटीज इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा. एक बार ट्रांसपेरेंट बोलना पड़ता, बिकॉज तेलंगाना पूरा क्या बोलते इसको डेफिसिट बहुत है बोल.
देखिए कर्नाटका में भी यही पूछे कैसे गारंटीज फुलफिल करेंगे, हम रिसोर्सेस बनाए गारंटीज इम्प्लीमेंट। अब तेलंगाना में भी अभी सरकार भी चुनी गई है, स्वेरिंग इन होने वाली है, एटलीस्ट एक 2-3 दिन तो देना चाहिए बात करने के लिए, और ये गारंटीज अनाउंस किए हैं और हमारा सिस्टम और प्रोसीजर हम और हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है जो डेट BSR गवर्नमेंट छोड़ के गई है वो उसके अलावा हमारा वादा है जो हम प्रॉमिस किए हैं वो फुलफिल होगा। उस स्वेरिंग इन सेरेमनी के कितने लोग आएंगे सर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस स्वेरिंग इन सेरेमनी? मेरे हिसाब से पूरे हमारा सीनियर लीडरशिप आएगा इधर और लोग तो बड़ी बड़ी तादाद में आएंगे। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उस वो गांधी का फैमिली का कौन सा लोग आएंगे? वो पूरे लोग आएंगे। ఆరు గ్యారంటీలు ఏదైతే తెలంగాణకి హామీ ఇచ్చిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ అది ఖచ్చితంగా నెరవేర్చిందో, మరోవైపు కర్ణాటకలో కూడా సేపు ఇట్లాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చింది అయినప్పటికి కూడా అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తున్నాం, ఇవాళ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, మరోవైపు పెద్ద ఎత్తున గాంధీ కుటుంబం నుంచి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ లాంటి వాళ్ళు, మరోవైపు తెలంగాణ యావత్ ప్రజానికం కూడా ఈ స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారానికి రాబోతున్నారంటూ కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ నరేష్ రాజేష్, ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి.